अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई है कि हमारा ट्रिप जा रहा है स्वात। कॉलेज वालों ने कहा कि जिस जिसने जाने वो अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ले, और अभी मैं परमिशन ले लेने जा रहा हूँ। और फाइनली परमिशन वगैरह मिल गई और फिर हम गए स्वात के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। शॉपिंग वाले दिन मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए पैकिंग किए बगैर ही सो गया था। सुबह 4 बजे मैं अंडरटेकर की तरह उठा, कंप्यूटर ऑन किया और एसडी कार्ड का डाटा मैंने सारा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक श्लॉक की स्टोरेज बनाने के लिए। फिर मैंने ट्रैवलिंग बैग उठाया और पैकिंग स्टार्ट कर दी। तैयारी इज फुल एंड रेडी हो जाती। और ठीक 8:15 पर पहुंच गया मैं कॉलेज। यार सर्दी बहुत ज़्यादा, बाइक पे आया था ना इसलिए सर्दी लग रही है। हाथ फुल ठंडे हो गए हैं और लड़के काफ़ी आ चुके हैं। सब लड़के बसेस की तरफ जा रहे थे। वो हमारा ग्राउंड है लेकिन खेलने की इजाज़त नहीं है, और अभी हम जा रहे हैं बसेस की तरफ। सब बॉयज़ वन बाय वन अपना नेम कंफर्म करवा रहे थे। अली हमजा, ये ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अंकल जी, ठीक है? ये जो आपको व्हाइट कलर की बस नजर आ रही है ना, इस बस पे मैंने नहीं बैठना। सर सलाह ने कहा कि आपने उस बस में बैठना। और बस में एंटर होते ही सर ने कहा बेटा अपना नेम कंफर्म करवाएं। अली हमजा, 6 नंबर पे। सब लड़के बैठ चुके थे और ठीक 9 बजे हमारी बस चल पड़ी। सब बहुत ही एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही स्वात जा रहे थे। वन और ट्रैवलिंग के बाद सब बोर हो रहे थे, बट फिर हमने लास्ट टाइम जैसे बस में पाकिस्तानी और सॉन्ग्स लगाए जिसकी मुझे समझ तो नहीं आती पर स्वाद बहुत आता है। और फिर लास्ट सेकंड ईयर की तरह हमने यसु पंजू भी खेला। हम फुल एंजॉय करते हुए जा रहे थे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फुल टाइम बोर हो रहे थे यार हम। कभी बस की छत को देखता, कभी सामने देखता, कभी पहाड़ों की वीडियो बनाता, और फिर मुझे नजर आई ट्रेन। मैंने कहा बोर तो मैं वैसे हो ही रहा हूँ, क्यों ना इसके साथ रेस लगाई जाए। और फाइनली मैं जीत नहीं वाला था बट मैं हार गया। हम स्टिल बोर हो रहे थे, फिर एक लड़का हमें एंटरटेन करने के लिए मैदान में आया। सब तो पहले मेरे भरावां इन्हां दीयां भैणां नूं मेरा सलाम अर्ज़ है। अद्धी रात दा टाइम है, तेरे पेट दी शदीद दर्द डॉक्टर मयसर नहीं, कम झन दी फकी आएगी, तेरे शदीद दर्द नूं मकाएगी, कम झन दी फकी आएगी। तिन्ना तिन्ना कैमरे वाले अंबैलां दा रिजल्ट भी वधाई दी ते कम झन दी फकी आएगी। पंजाब विच पढ़ के तेनूं कल्ले नौकरी भी लवाएगी ते कम झन दी फकी आएगी। अब आप में से कुछ कहेंगे यार चस नहीं आई, यार इसमें चस थी, जुगते वगैरह मारी थी लड़कों ने, लेकिन यार मैं व्लॉग में अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि हमारा फैमिली कंटेंट है, बट आपको हंसाए बगैर हम नहीं भेजेंगे, तो अभी हम हंस लेते हैं। 3, 2, 1। हमारा फर्स्ट स्टॉप एक रेस्टोरेंट पर हुआ। मैं होटल का नेम देख रहा था बट मुझे मिला नहीं। तो अभी हम उसी होटल में आ चुके हैं जहाँ लास्ट टाइम आए थे। यस, लास्ट टाइम भी हम इसी होटल में आए थे। एक साल के अंदर इस होटल में सिर्फ एक ही चेंजिंग आई है। लास्ट ईयर इस होटल का नेम लिखा हुआ था और अब किसी ने अपना गुस्सा इस होटल पर निकाल दिया। कोई झूला झूल रहा था, कोई फोटो शूट कर रहे थे, मैंने भी 1-2 पिक्चर्स क्लिक करवाई ली। ये बस हमारी बस से तकरीबन 10 मिनट बाद आई थी, ये पता नहीं कहाँ गुआच गई थी। गिलासें बड़ी जबरदस्त लग रही है। यू ली है अभी, अभी ली है। कितने की? 100 की। यार देखो पठानों से भी 100 की। 200 की क्या है, 100 है। अच्छा तो ब्रेकफास्ट किया करना अभी? चलो फिर आओ यार ब्रेकफास्ट करते हैं। है नहीं करना अभी ब्रेकफास्ट करने आओ फिर। अभी ये फोटो शूट कर रहे हैं भाई। शफीक अहमद रोटी खोल ले। सब लड़के रोटी का वेट कर रहे थे और ठीक 15 मिनट के बाद हम सबको रोटी मिली। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। नरेश कैसा था ब्रेकफास्ट? फिर हमने उन्होंने लाके दिया ब्रेकफास्ट का बिल जो कि 1060 का था। हमने कहा ये 1060 कैसे बन गया। हम गए फिर कंप्लेन करने के लिए काउंटर पे, और वहां भी हम क्या देखते हैं भाई, पहले बिल की वजह से लड़ाई हो रही थी, उनका इशू सॉल्व हुआ। उन्होंने हमें कहा भाई 1060 रुपया निकालो। मुझे चढ़ गया गुस्सा, 1060 बन कैसे गया? वो थे 7, मैं था अकेला, मैंने उन 7 के साथ समार खानी थी। शुक्र करो मुझे रोक लिया था, नहीं तो मैंने स्वाद रोते जाना था। और यहाँ पे फिल्मी सीन होते हुए सही लड़ाई होगी। डिस्काउंट डिस्काउंट यार पागल के बच्चे, 80 की प्लेट थी वो 250 बता रहे। चलो जो भी हुआ ठीक है, बस जो भी हो गया हो गया। ये वही जगह है लास्ट टाइम वाली, ये मैं हूँ, ये ट्रैक्टर है, एंजॉयमेंट हो रही है, पता नहीं क्या बोला था हमने। तो गाइस ये मैं हूँ, ये ट्रैक्टर ट्राली है, ये मेरे दोस्त है, और हमारी पार्टी आ रही है।
अब हम इस्लामाबाद से मोटरवे पे चलेंगे, मोटरवे के बाद अच्छा पॉइंट है, रुकेंगे वरना स्वाद ही निकलेंगे सीधे। सही होगा, 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे स्वाद पहुंचते। तो अभी हम बैठते हैं बस पे, और दूसरी बस के सब बॉयज भी बैठ चुके थे। अभी हम निकलने लगे हैं स्वाद की तरफ। यार जो हमारे साथ वाली बस आई थी ना, उसका टायर पंचर हो गया। वो सामने बस खड़ी है, नजर आई है। 20 मिनट्स लग गए थे बस का टायर चेंज करते करते, और फिर हमने अगेन अपना सफर कंटिन्यू किया, और फिर हमारा सेकंड स्टॉप इस्लामाबाद के मोटरवे पे हुआ। अबे हम इस्लामाबाद में आ गए, धूप नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, स्वाद में पता नहीं क्या बनेगा यार। ब्लॉगर ऑफ द ईयर, इंशाल्लाह हम भी बनेंगे कभी जिंदगी में 2040 में, फिर हम भी दुबई जाएंगे। पतीसा वार्ड, पतीसा, ऐसे व्यू इस्लामाबाद में ही आपको मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते। यार व्यू चेक करें, बाकी गले छोड़े यार, मतलब इतना प्यारा व्यू कैसे हो सकता है, और फिर सारे का कैसे हो सकता है यार। अब व्यू नजर आया ना फिर कमाल का, वो हमारी बसेस खड़ी हैं वो कॉर्नर पे जाके, इधर कहीं मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बस खड़ी है, नजर आई है, देखा है, ये हमारे एंड्रॉइड के जूम है भाई, इसको हल्के में नहीं डालो। ये कौन है? सलमान और नुखेस फिंगर चिप्स और कोक ऑर्डर कर रहे थे, फिर मैंने कहा यार मेरा भी ऑर्डर ले लो। ये सारे ले, अभी ऑर्डर ही किया था और सर की कॉल आ गई, सर कहते हैं हमारी गाड़ी चलने वाली है, अगर आपने आना है तो आ जाए, तो हम जा रहे हैं। सर जी मैं उनको बुला के लाता हूँ। और फिर बारिश स्टार्ट हो गई, कुछ बैग्स बस की छत पे भी रखे हुए थे, बारिश की वजह से उन्हें भी उतारना पड़ा। सर असलान ने कहा आप नीचे आ जाए, सलमान साहब पफ शफ बना के सेल्फियां ले रहे थे। ये मैंने किला फतह कर लिया। छलांग मार मैं कैच करूं। यार असली चस तो यहाँ से आना स्टार्ट हुई थी। यार ऐसी टनल्स मैंने सिर्फ मूवीज में देखी थी, बट रियल में टनल्स देख के जो खुशी मिली थी ना, आए हाय हाय हाय। एक लम्हे के लिए मुझे लगा ड्राइवर साहब ठोकने लगे हैं गाड़ी को। और फिर स्वाद जस्ट 48 किलोमीटर रह चुका था। जैसे जैसे स्वाद नजदीक आता जा रहा था, स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। 21 किलोमीटर रह गए, हम फिर स्वाद एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे एंट्री वगैरह हो रही है, चेक पोस्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप पेशावर के एक पेट्रोल पंप पर हुआ। हेलो गाइस, क्विक कैमरा, मुझे भी कैमरा मिला। मैंने सर को कहा सर रस्ते के व्यूज बहुत अमेजिंग थे, सर ने कहा ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। ला 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 ला। ओ, 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 मुझे भी बताओ क्या बात चल रही है। पता नहीं, व्लॉगिंग कर करके बैटरी डेड हो गई थी, फिर भाई से पावर बैंक ले लिया। वलीद का भी सफर बहुत अच्छा रहा। कैसा व्यू है? बहुत अच्छा व्यू है। आंकू को ठंडक मिली है, सार को भी ठंडक मिली। ये हमारा उभरता हुआ नौजवान है। इसके नाम का मतलब है उभरता हुआ नौजवान। व्यू चेक करो यार, बारिश का मकान फिर लग रहा है, लगता है फिर से बारिश स्टार्ट होने वाली, और सर्दी स्टार्ट हो गई है, अभी आगे सर्दी सर्दी है। ये है हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? भाई मैंने आपको कहा भी था ऊंचा बोले, हमारे पास आईफोन नहीं है। एनीवे भाई बोल रहे थे बहुत प्यारी जगह है और कितने अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं। और आप बताएं, पहले तो कॉलेज वाले मरी लेके जाते थे, इस बार लेकिन स्वाद लेके आए हैं, ये तो बहुत अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके काम देखो, इन्हें फोटोशूट करना है वो भी रोड के ऊपर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओए होए 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 होए, हीरो हीरो। भाई बात सुने, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक भाई? क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। मैंने कहा भाई 2-3 बैटिंग टिप्स ही बता दे, फिर भाई ने कहा सबसे पहले हमें घबराना। इन भाई का फेस देख ले आप, ये हमारे फ्यूचर स्टार हैं, क्रिकेटर, और इस चेहरे को भी पहचान ले, शायद ये भी कहीं आपको दिखता ही रहेगा। अपनी प्रमोशन भी जरूरी है यार, सब्सक्राइब करो। ये देखो भाई, ये देखो, इसे कहते हैं iPhone 13। iPhone 13 नहीं, iPhone 13 Pro Max, और सॉरी भाई पिक्चर खराब करने के लिए। शाम के 6 बज गए और सर्दी मजीद बढ़ती जा रही है, नुहेश को ज्यादा सर्दी लग रही है, जैकेट भी नहीं पहने हुई। ये अपर है, जैकेट नहीं है ये।
यार इन दो लड़कों ने बहुत एंटरटेन किया है, बहुत हंसाने की कोशिश की है, बट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। बट हम एक ही मिनट ज़ाया नहीं जाने देंगे। एक मिनट भाई, आप भी आ जाएं। चाचा जी आप भी आ जाएं, आपको मैं खुद उठा के रख देता हूँ। ठीक है, डन। 3, 2, 1। तो अभी मैं शॉप पे आया हूँ, यहाँ पे कुछ लेस वगैरह ले लेते हैं। आई लव लेस वगैरह। जो है ये देखो जी मिठू को, ये बोलता भी है। मिठू क्या हाल है, ठीक हो? इसका नाम क्या है? पाबलू। मिठू यार मुझे पैरट बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यार एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होते हैं। मैं समझा मारने लगा है मुझे। आया चले आजा। चल भाई ये भी राजी हो गया है, चले क्राम कंधे पे बैठ जा। चल भाई इसके साथ तो मेरी हो गई है दोस्ती। पबलू ओए होए 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 होए, कोर आ गया, कोर आ गया। इधर आ जा, इधर आ जा। लगता है आपको भी बहुत ज्यादा शौक है पैरट्स का। ओ इसका नाम क्या है? जॉनी। जॉनी उसके साथ दोस्ती हो गई, ये नाराज हो गया मेरे से। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच भाई। मगरिब टाइम हम यहाँ से निकले थे और इशा टाइम हम स्वात पहुँच गए। एंड फाइनली हम पहुंच गए स्वात। यार 10 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंचे थे स्वात, तो यार ढोल का बंदोबस्त होना चाहिए। 2 मिनट चाचा जी, सिर्फ 3 सेकंड के लिए आए, प्लीज प्लीज। ठीक है, गुड हो गया। 3, 2, 1। ये सारे लड़के आ गए, ये वाला होटल है। आइए आपको होटल दिखाते हैं। 207 हमारा रूम नंबर था, और इस रूम में हर लड़के के लिए अलग अलग मैट्रेस था। LCD का भी प्रॉपर बंदोबस्त था। बहुत अमेजिंग है वो, मरी वाले से तो यार 1000 गुना बेहतर है ये होटल। एक बेड में 4-4 लड़के सोए थे, फिर एक बेड निकले हुए थे बेड के। ये देखिए, फ्लैशलाइट ऑफ करता हूँ फिर चस आएगी। हाँ ये चेक करें। हमें जो रूम मिला था वो 4 बंदों के लिए था, बट 8 बंदों वाला रूम भी था। उसके जो टेरेस का व्यू था, आए हाय हाय हाय। नहीं 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 नहीं, बताने से काम नहीं बनेगा, आपको दिखाते हैं। नहीं नहीं, ये टेरेस का व्यू नहीं है, आपको दिखाते हैं। और हम होने लगे हैं रूम में एंटर, और ये सब आते ही PSL देखने लग गए। असली चीज तो इधर है, ये है टेरेस का व्यू। यहाँ पे हम चाय शाय भी पी सकते हैं। और फाइनली जिसका हम सबको वेट था, शफीक अहमद रोटी खोल दो, ये रोटी खुलने वाली है, डिनर होने वाला है। और रोटी खुल गई, रोटी खुल गई। ओए सॉरी ले जा रहा है। डिनर के बाद बॉनफायर का भी बंदोबस्त था। हमें ठंडे लगी हुई थी, हाथ शात सेक रहे थे, तो फिर टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने कहा अली हो जाए डांस। तो बस फिर आफ्टर बॉनफायर हम सैर करने के लिए निकले, और फिर स्वाद शॉपिंग मॉल भी गए थे। ये भी हम होटल के बाहर वाले एरिया में आए हैं। ये स्वाद शॉपिंग मॉल है। रात में पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है। ये व्यू चेक करो यार, ये जो दिन का व्यू नजर आ रहा है ना, या सुबह का व्यू, वो अंत ही हो जाना है यार। इन लड़कों के सामने व्लॉग बनाना कोई शौकी सी गल नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए व्लॉग बनाया, और फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, मॉल चेक करें, बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। देखो हम रोकड़ा बहुत ले गए, और अभी हमने सब कुछ खरीद लेना है। ये व्यू चेक करें, जो शेड आ रहा है ब्लू का, उससे तो 4 चांद लग गए ना फिर। यार हम चल चल के बहुत थक गए हैं, अभी हमसे स्टेयर से चढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए अभी हम लिफ्ट यूज करें। लिफ्ट आना, अभी हम जा रहे हैं 2 फ्लोर में। सारे बटन प्रेस कर दिए हमने। ऐसी दीवार बनी हुई है।
अभी हम थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, हम बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, उनकी बिजली जाएगा रहे हैं। 7,000 रुपया पूरा कर दिया। नहीं यार, हमने सेकंड पे जाना था, हमने सेकंड पे जाना था। अब चलते हैं नीचे, चलते हैं फिर। अभी हम वापस फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, सेकंड पे सेकंड में जा रहे हैं। हाँ, अभी सेकंड पे जा रहे हैं। अचानक चक्कर आते हैं ना, सेकंड में जाते हैं। ये रुक, जब लिफ्ट रुकती है ना यार, हम जैसे सेकंड फ्लोर पे आए ना, गेट ओपन हुआ, 4 से 5 बंदे ऐसे हमें देख रहे हैं, हम सबकी दिल की धड़कने तेज हो गई। वो बार बार देख रहे थे कि एक बार लिफ्ट ऊपर जाती है, एक बार लिफ्ट नीचे आती है। वो तो आपके यहाँ पे नीचे इस तरह खड़े थे, वो हाथ बांध। मॉल का व्यू देखते देखते हमें नजर आई $1 शॉप। हम यहाँ पे आ रहे हैं $1 शॉप पे। अभी हम $1 शॉप पे आए हैं, और यहाँ पे अगर कोई चीज पसंद आ गई तो हम जरूर बाय करेंगे। हाँ भाई, और किसी ने करनी है भाई? यहाँ से देखो, कोई चीज पसंद आती है तो यहाँ भी ज्यादा गर्ल्स के लिए चीजें पड़ी हैं, वैसे लिपस्टिक्स और इयर रिंग्स वगैरह। देख रहे हो मेरी शराफत? शराफत इसलिए दिखानी पड़ी क्योंकि शॉपकीपर, टीचर और काफी लड़के मुझे व्लॉग बनाते देख रहे थे। ये भी सारी चीजें $1 की है। ये शॉप ना लेडीज के लिए बहुत बेस्ट है, इतनी सस्ती चीजें मिलनी है ना आप लोगों को, आप आ जाओ। लेकिन यहाँ आपको स्वाद आना पड़ेगा। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बिलबोर्ड लगा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। और फिर हमें पता चला कि यहाँ पे स्वाद झील पार्क भी है, फिर हम वहाँ भी गए। यार ये पहाड़, ये जो ब्लैक है ना, ये पहाड़ है। और यहाँ पे सुजुकी बिहार में थोड़ा साइड पे जाता हूँ, झील पार्क ही लग रहा है वो, मुल्तान वाला झील पार्क है ना। अभी हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए थे वेनसडे और थर्सडे फैमिली डे, बड़ा पता नहीं जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। भाई ने कहा अब एंटर नहीं हो सकते, आप वापस चले जाएं। आज फैमिली डे है ना, इस वजह से कोई भी नहीं है, सारा खाली है। सुभाष या वेरी कूल, वेरी ऑसम, जलील होने के बाद हम वापस होटल्स में गए, और 10-15 मिनट के बाद हसीब और फैजान लेके आए पिज्जा। हमने पिज्जा खाया और सो गए। मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपने सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, उनको बताना है कि भाई स्वाद का पहला पार्ट आ चुका है, और जाके देखो, लाइक भी करो, और उसको कहना कि आगे फ्रेंड्स को भी शेयर करे और लाइक करे। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 250, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।